पदभार ग्रहण किया। तत्पश्चात जब डॉक्टर सतीश पूनिया पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर आयोजित कार्यक्रम में आए तो प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हजारों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारों से वातावरण गुंजा दिया। मंच पर पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों ने डॉक्टर सतीश पूनिया का विशेष स्वागत सत्कार किया। भारत माता की, भारत माता की। सपा सती जी को माने ओम जी भाई साहब, माने गुलाब जी भाई साहब, सपा बनाएंगे सती जी को माने ओम जी भाई साहब, माने गुलाब जी भाई साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माने अरुण जी, माने परिणामी जी, माने सती जी का सपा पहना करके स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके चलते सतीश पूनिया अध्यक्ष बने हैं। हमारे सतीश पूनिया जी अध्यक्ष बने हैं। देखो ये कैसी पार्टी है, राजकीय विरासत के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, आर्थिक समृद्धता के आधार पर नहीं, अपनी मेहनत प्रतिभा और लगन के आधार पर कोई भी यहाँ पदाधिकारी बन सकता है। एक चाय बेचने वाला के लड़के जो चाय बेचने में मदद करते थे रेलवे स्टेशन पर, अपनी लगन मेहनत और प्रतिभा के कारण आज देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री हो गए और दुनिया में पूरा भारत का झंडा मुकम्मल किया। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और इसलिए आज हमें संगठन का यही गुण सीखना है कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, लगन से काम करो और प्रतिभा के साथ नए नए कार्यक्रम करो। यही हमारा संदेश है। और इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने अभी जो अभियान दिया है उसमें सभी सांसद और विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे, देश भर में पदयात्रा हो रही है, वृक्षारोपण भी कर रहे, प्लास्टिक नहीं कपड़ा सही ये संदेश भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ एक जनता में नई जागृति पैदा कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है और आधार है और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी सबसे गति से बढ़ने वाली पार्टी हो गई, 18 करोड़ मेंबर हो गए। और उसके साथ साथ एक ही अंतिम वाक्य कहूंगा कि पार्टी का जो विस्तार हुआ है, आज सामने वाले पार्टियां अपना अध्यक्ष कहां है ये खोज रहे हैं। अध्यक्ष नियुक्त करने में 2 महीने लगे और पूर्व अध्यक्ष देश दुनिया में कहां है ये खोज रहे हैं। तो ऐसी अवस्था है भारतीय जनता पार्टी, 130 करोड़ जनता का विश्वास पाकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने, यही हमें विजयदशमी का संकल्प करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, इस पवित्र दिन पर प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने पदभार ग्रहण किया है, मैं इनका बहुत जोरदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। अभी मंडावा और खीमसर उपचुनाव में एक दिन मेरे साथ थे सतीश पूनिया जी, ये भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते उनका एक शब्द बहुत अच्छा निकला, गुलाब जी ने भी उस शब्द की तारीफ की और राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी उस शब्द की तारीफ की। किसी ने पूछा इनसे कि भी इन उपचुनावों से क्या कोई सरकार बनती है क्या बिगड़ती है, तो डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने बहुत सटीक जवाब दिया कि सरकार बनेगी या बिगड़ेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन इस उपचुनावों का रिजल्ट आएगा बचीर जोर बोली बोला उठाए। और मैं जब ये शब्द लेकर के बीकानेर गया तो
तो मेरे बीकानेर के साथियों ने कहा कि आप जरा सतीश जी को एक समझाइए, एक इसके साथ और जोड़ दें। बोला बहुत, इन्होंने ट्रांसफर में भी, ये जो सरकार है राजस्थान की, ट्रांसफर में भी चोरी, और चोरी भी ऐसे जो हटा रहे हैं उसके लिए भी पैसा ले रहे हैं, लगा रहे हैं उसके लिए भी पैसा ले रहे हैं, ऐसे मेरे बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने बताया। तो मैंने कहा क्या नारा होना चाहिए? बोला नारा ऐसा होना चाहिए कि मारो भचीनो जोरा सुर, लालो छूटे चोरा सुर, बोलिए भारत माता की। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि सतीश पूनिया कार्यकर्ताओं के संघर्ष का प्रतीक हैं। सतीश पूनिया कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मेरे केंद्र के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा, उसी का कारण है आज इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता है। मुझे जहां तक ध्यान है, लगभग 79 में मेरा यह केंद्र हुआ, किसान संघ का राष्ट्रीय दायित्व मिला और 82 में ही सतीश जी आप पंडे के लिए आए। मैं इसी चौराहे पर एक गैरेज में रहता था, सतीश जी को विद्यार्थी परिषद के काम में लगाया और उस समय भी संघर्ष का काल था और 82 से लगाकर शायद आज आपको लगता है सतीश जी अध्यक्ष बन गए, सतीश जी विधायक बन गए, सतीश जी महामंत्री रह गए, लेकिन अगर सतीश पूनिया का इतिहास आप देखोगे तो आप जैसे कार्यकर्ताओं में जो संघर्षशील कोई कार्यकर्ता है तो उसका उदाहरण सतीश पूनिया आज आपके सामने है। और उससे पहले जब मैंने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, मैं कहता हूं आज तक के इतिहास में सतीश जी के नेतृत्व में जो युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर पुष्कर में लगा, उस काल के आज भी सारे कार्यकर्ता जो मुझे मिलते हैं आज भी उस प्रशिक्षण शिविर को याद करते हैं कि इस तरह का हमको प्रशिक्षण आज तक दोबारा कहीं देखने को नहीं मिला। और ये आपका लाडला अध्यक्ष वो है जो अजमेर से लगाकर भरतपुर तक पद यात्रा करके पूरी पार्टी को वापस खड़ी की है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रेषित शुभकामना संदेश का वाचन किया, जिसमें राजे ने सतीश पूनिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि विजयदशमी के दिन राष्ट्रवादी विचारों की स्थापना हुई थी। विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय विचारों की स्थापना हुई थी। आज उसी दिन भाई सतीश जी का पदग्रहण हो रहा है। मैं उनको आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, राजस्थान की लाखों जनता की ओर से और लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आदरणीय ओमजी भाई साहब, वी सतीश जी, मंच पर विराजे हुए सभी लोग, मेरे सभी सहयोगी भाई और बहनों, ये कोई ईश्वर की कृपा है कि जिस राष्ट्रीय विचारधारा को हमने विजयादशमी के दिन स्थापना की, आज वो राष्ट्रीय विचारधारा अपने परवान पर चढ़ रही है। आप और मैं कितने भाग्यशाली हैं कि जिसके लिए हमने जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर तेरा वैभव, अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, जिस गीत को हमने जीवन में कई बार बोला, आज वो धीरे धीरे प्रभु की कृपा से साक्षात आपको और मेरे सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने तक हमारी यात्रा जारी रहेगी। जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त देश नहीं बनेगा, आपकी और मेरी यात्रा नहीं रुकेगी। हमारा संघर्ष है उस भ्रष्टाचार से, जिसके कारण से हिंदुस्तान को खोखला बना दिया, उसकी अगर परिणति करने का अवसर आज चुनौती के रूप में आपके और मेरे और सतीश जी के सामने खड़ा है, ये विश्राम लेने का समय नहीं है। जब तक गांव की पंचायत से लेकर इस भ्रष्टाचार के राक्षस को नहीं मार देंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी चैन से नहीं बैठेंगे।
विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सतीश पूनिया ने पार्टी के कई पदों पर काम किया और वे आज प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। कार्यभार ग्रहण के लिए आज का दिन सही चुना गया है। विजयदशमी के दिन अन्याय की हार हुई थी। ये विजयदशमी का दिन है और निश्चित तौर पर अन्याय की हार इसी दिन हुई थी। इसी दिन बुराई का विनाश हुआ था और आज मौजूदा सरकार के समय इसमें जो अन्याय चल रहा है, मैं समझता हूँ उस अन्याय के विरुद्ध यह जन संघर्ष का ऐलान करने का इससे बड़ा कोई मौका हो नहीं सकता। आज आपके सामने है किस प्रकार की आज हमारे राजस्थान की स्थिति बनी है। कानून का राज समाप्त हो गया, अखबार का पन्ना पलटते हैं कोई न कोई नौ मर्सक बाद हमारे अखबार के पन्नों में शायद दिखते हैं। अभी आपने देखा होगा बलोत्रा के अंदर एक बार फिर जिस प्रकार सरदार शहर के अंदर एक नेमीचंद नाम के नायक की कस्टोडियल डेथ हुई थी, इस बार एक बार फिर उसी तरह की पुनरावृत्ति हुई है। थानागाजी में जो घटना हुई उसी घटना के अनुरूप करौली में घटना हो जाती है। बैरोड में बंदूक की नोक पर अपराधी को छुड़ा ले जाते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार के जंगल राज के सामने आज के दिन विजय दशमी के दिन हमें एक संकल्प के साथ जाएं और आज सतीश जी आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आज आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो आपके संकल्प के साथ चलेंगे। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और एबीवीपी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में यात्रा शुरू की। मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि पार्टी मुझे कभी ऐसी जिम्मेदारी सौंपेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू किया, युवा मोर्चे की एक लंबी यात्रा तय करी। आज तो दृश्य बदलता हुआ दिखता है। मैं खुशनसीब भी हूं कि मुझे तीन पीढ़ियों का साथ मिलता है, लेकिन मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो रोडवेज की बस, रेलगाड़ी का टॉयलेट और बस स्टेशन पे अखबार बिछाकर सोना, वो भी याद आता है। मित्रों, कभी जीवन में कल्पना नहीं करी थी कि मैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन का, बहुत बड़े प्रदेश का, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। लेकिन मित्रों, मैं ये मानता हूं ये जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति की मेहरबानी से नहीं, किसी एक बिरादरी की मेहरबानी से नहीं, किसी एक नेता की मेहरबानी से नहीं, ये जिम्मेवारी यदि आपके इस भाई को, इस बेटे को, इस साथी कार्यकर्ता को मिली है तो उसके कारक आप सब लोग हो जिन्होंने 37 वर्षों तक मुझे विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक काम करते हुए देखा है। इसलिए मैं इस जिम्मेवारी को आपके चरणों में ही निवेदन करता हूं, इस जिम्मेवारी को आपके चरणों में प्रणाम करते हुए स्वीकार करता हूं और इस संकल्प और भरोसे के साथ करता हूं। समय बदल रहा है, राजनीति के चरित्र पर उंगलियां उठती होंगी, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं 37 वर्षों का जीवन बहुत लंबा होता है। मित्रों, जिस परिवार ने मुझे संस्कार दिए, जिस संस्था ने मुझे संस्कार दिए, इसलिए मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं दुनिया में राजनीति और राजनीति के व्यक्तियों की चर्चा होती होगी, लेकिन कोई माई का लाल आज तक नहीं हुआ जिसने 37 वर्षों में इस भाई पर और बेटे पर उंगली उठाकर कोई बात करी होगी। पूनिया ने इस मौके पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी, ललित किशोर चतुर्वेदी, के गोयल, जगदीश प्रसाद माथुर, रघुवीर सिंह कौशल, मदनलाल सैनी को श्रद्धा से याद किया। इस मंच पर मैं याद करना चाहूंगा भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी की उस परंपरा के विराट पुरुष स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी, शेरे राजस्थान स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी, स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल जी,
स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी, स्वर्गीय के गोयल साहब, हरि कुमार औदित्य जी, ये तमाम लोग मुझे सौभाग्य मिला उनके दर्शन करने का, उनसे सीखने का, उनसे प्रेरणा लेने का। और आज हमारे बीच में नहीं है जेपी माथुर साहब, लेकिन उन सब की आज वो स्वर्ग में भी सुनते होंगे, पार्टी का यह विराट रूप देखते होंगे, तो निश्चित रूप से उनको प्रसन्नता होती होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जब जुड़ा और जिस शख्स से सबसे पहले प्रभावित हुआ, जो साहित्य पढ़ा, मित्रों समय बदला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को पूरा किया। मैं सिद्धत और श्रद्धा से याद करूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। दुनिया के इतिहास में कोई संगठन और संगठन का सरदार ऐसा नहीं हुआ जो अपनी पार्टी के एजेंडे के लिए जिसने बलिदान कर दिया हो, आहूत कर दिया हो। मित्रों जिस दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यही तो हम सब कहते थे, सीखते थे, एक गरीब के घर से पैदा होकर ये सुनते थे कि कभी कोई रोशनी आएगी, गरीब के घर में रोशनी जलाने का विचार किसी ने अपनी जुबान और लेखनी से दिया, उस शख्स का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, जिनकी शिक्षा और दीक्षा से हम लोग पले बढ़े। मित्रों मैं तीसरे ऐसे शख्स जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आज उनकी पंक्तियां प्रासंगिक होती दिखती हैं, मेरे प्रभु इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी मत देना, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं श्रद्धा से याद करूंगा। मित्रों कार्यकर्ता साथियों, मेरे लिए एक ऐसे विराट पुरुष जिनका जमाना दीवाना है, और केवल जमाना नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी दीवाना है, नहीं? मेरे नए उत्तरदायित्व के विषय में बाह्य वातावरण में तूफान लगभग थम सा गया है, सबका आश्चर्य, प्रश्न आदि अब पूर्णता की ओर है, अब अपेक्षाओं का प्रारंभ होगा, अपेक्षाओं की व्यापकता तीव्रता भी खूब होगी, तब मेरे जीवन की रचना अभी शेष है, मुझे किसी को मापना नहीं, मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी, मुझे तो नील क्षीर विवेक को पाना है, मेरी समर्पण यात्रा के लिए सब जरूरी है, इसलिए शक्ति की उपासना का केंद्र स्वसुख नहीं, मां तू ही मुझे शक्ति दे जिससे मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर बैठूं, परंतु मां मुझे अन्याय सहन करने की शक्ति प्रदान कर। यह शब्द मेरे नहीं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की साक्षी भाव पुस्तिका में उनके खुद के लिखे हुए शब्द हैं। मित्रों पूनिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे सोहन सिंह जी एवं लक्ष्मण सिंह जी को याद करते हुए उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं मित्रों, बहुत सारी चुनौतियों की बातें होती हैं, मुझे ठीक से याद आता है विद्यार्थी परिषद का वो जीवन, और विद्यार्थी परिषद के जीवन काल खंड के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क, और उस संपर्क के दौरान ऐसे मनीषी प्रचारक जिन्होंने, मैं श्रद्धा से याद करूंगा माननीय सोहन सिंह जी को, माननीय लक्ष्मण सिंह जी को, बहुत बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं श्रद्धा से याद करूंगा, आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, उन्होंने जब सिर पर हाथ रखा था एक बात मर्म की कही थी, राजनीति एक कंट का किरण मार्ग है, बहुत कुछ सीखना है, बनना या बनन नहीं बनना मुद्दा नहीं है, बनना या बनाना ये कोई मसला नहीं है, लेकिन सब समाज को साथ लेकर अपने आप को साबित करना, ये उन्होंने मुझे कहा, आज तक मुझे याद है उनकी वाणी। इसलिए मित्रों जीवन का मंत्र यही था। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ टाइटल बदला है और एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं बदला है, मैंने पदभार नहीं कार्यभार ग्रहण किया है, मैं पहले भी कार्यकर्ता था और हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा। कार्यकर्ता साथियों, मैं आज, कुछ लोगों ने कहा ये पदभार ग्रहण है,
पर मित्रों ने ठीक करा, ये कार्यभार है। पद तो आते और जाते रहते हैं, पर आप वाला पद तो बिल्कुल परमानेंट है। कार्यकर्ता कभी भूतपूर्व नहीं होता और कभी हटा नहीं सकता। इसलिए मुझे जब अखबार के लोगों ने पूछा अब आप अध्यक्ष बन गए क्या हुआ, मैंने जवाब दिया कि सिर्फ टाइटल बदला है, काम तो वही है, सिर्फ टाइटल बदला, प्रदेश अध्यक्ष लग गया, कार्यकर्ता आगे आगे। इसलिए लोग जब चुनौतियों की अपेक्षाओं की बात करते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि अब आपका एजेंडा क्या होगा। कार्यकर्ता मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष यात्रा ने देश और दुनिया में यह संदेश तो दे दिया कि राष्ट्रवाद का विचार ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विचार है और यही विचार हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा। मंच पर पहनाए गए साफे का जिक्र करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि यह जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसे मैं संकल्प और आपके सहयोग और आशीर्वाद के साथ विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। मुझे ये साफा मंच के तमाम लोगों ने बंधाया है, अनुज की तरह छोटे भाई की तरह एक जिम्मेवारी मेरे सर पे रखी है, इस जिम्मेवारी को मैंने स्वीकार की है। और जब कोई पूछे कि आपको तो जिम्मेवारी दे दी आप क्या करोगे, मैं तो कई बार सोचता हूं कि मुझसे कोई मेरी वसीयत लिखवाए, मेरी इच्छा पूछे तो मुझसे तो पार्टी ने इतना सम्मान दे दिया, मेरे परिवार से लेकर मेरे मित्रों से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर, कि यदि कल भी जनाजा निकले तो भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे और कमल के फूल के साथ निकले, मैं उत्सर्ग भी हो जाऊं तो शायद मेरी तरफ से पार्टी को कम पड़ेगा। लेकिन कार्यकर्ता मित्रों, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने सतीश पूनिया से प्रेम किया किस लिए किया, तो मैंने 37 वर्षों के जिस संकल्प को अभी तक जिया है, इस साफे की सौगंध आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, ये संकल्प और भरोसा आपको देता हूं। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी एवं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे।